राजीव तलवार इस दुनिया में सिर्फ एक है, अनोखा है और कुछ न कुछ चमत्कार जरूर करेगा। क्या मनुष्य के बाप की जागीर है ये धरती है क्या? सही बात है, सबकी धरती है। माधर चौथ सबकी धरती, भोसड़ी की सब रहेंगे। बीजेपी की रैली में आ गए आप? मैं सबकी रैली में जाता हूँ और जाता रहूंगा। ये देश हमारा है, किसी पार्टी नेता के बाप की जागीर नहीं है। तो इस वक्त मैं आजमगढ़ में हूं और आजमगढ़ में बीजेपी की चुनावी रैली है। योगी आदित्यनाथ जो कि यूपी के मुख्यमंत्री हैं, वो यहां पर जनता को संबोधित करने वाले हैं और बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करने वाले हैं। लेकिन बीजेपी की रैली में एक अनोखे शख्स मुझे मिले हैं, राजीव तलवार, उल्लू टीवी के संपादक, और इस बार चुनाव भी लड़ रहे हैं और इनका चुनाव निशान है ट्रॉफियाँ। तो भाई साहब, बीजेपी की रैली में आ गए आप? मैं सबकी रैली में जाता हूं और जाता रहूंगा। ये देश हमारा है, किसी पार्टी नेता के बाप की जागीर नहीं है और जहां मन करेगा वहां जाऊंगा। ये आप चुनाव लड़ रहे हैं इस बार राजीव? पार्टियों के लिए चुनाव हो सकता है, जनता के लिए चुनाव हो सकता है, मेरे लिए युद्ध है। एक ऐसा युद्ध जो भारत की धरती पर अकेले राजीव तलवार लड़ने जा रहा है। अकेले अकेले लड़ रहे हैं, रैली नहीं कर रहे, चुनाव प्रचार नहीं कर रहे। चुनाव लड़ने का जो तरीका है ये बहुत चुतियापे वाला है। चाह से चुनाव, चाह से चुतियापा। मैं चुतियापा नहीं कर सकता हूँ, मैं चुनाव जीतने के लिए चुतियापा नहीं कर सकता हूँ। ईमानदारी से युद्ध लड़ रहा हूँ, जनता को जो करना होगा वो करेगी। और ये जो हो रहा है, बीजेपी आयोजन कर रही है, इसके बारे में क्या ख्याल है? कोई भी पार्टी, ये जो चुनाव लड़ने का तरीका है एकदम गलत है, एकदम गलत है। देश को विनाश की तरफ ले जा रहा है। जब तक ये तरीका नहीं बदलेगा इस देश में बदलाव नहीं हो सकता। तो कैसे बदलेंगे? राजीव तलवार का पसीना जरूर हवाओं का रुख बदलेगा। बदल पाएगा नहीं, लेकिन कोशिश करता है। 2009 से लगातार कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं मैं क्या कर पाऊंगा, लेकिन कोशिश तो मैं करता हूँ। आप चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ने का मन क्यों बनाया आपने? जब मैं पहली बार जेल गया था तो कसम खाया था कि 3 चुनाव लड़ूंगा, इसलिए कि लोग मुझे जान सके। और आज तीसरा चुनाव है मेरा और पूरी दुनिया में राजीव तलवार पहुंच चुका है। तो 2 चुनाव लड़ चुके हैं, 2 चुनाव हार चुके हैं, तीसरी बार हारने के लिए तैयार हूं। जीतने के लिए नहीं लड़ रहे आप? राजीव तलवार की मंजिल कुछ और है, उस मंजिल को पाने के लिए राजीव तलवार वो सब कुछ करेगा जो उसे करना चाहिए। हमारे दर्शकों को एक बार अपना चेहरा और दिखा दो, ये मास्क हटा के। ये बोलेंगे किसी और राजीव तलवार से बात करके तो नहीं आ गए? राजीव तलवार इस दुनिया में सिर्फ एक है, अनोखा है और कुछ ना कुछ चमत्कार जरूर करेगा। आशीर्वाद दीजिए, आप लोग भगवान बनिए। मंदिर मस्जिद वाला भगवान न कभी आया था न कभी आएगा। मोदी मुलायम मायावती के बस का कुछ नहीं है, इस देश की पार्टियों के बस का कुछ नहीं है। ये केवल समाज में जहर घोल सकते हैं, लेकिन उस जहर को अमृत कोई बना सकता है तो सिर्फ और सिर्फ राजीव तलवार, और कोई नहीं। बीजेपी के रैली में आके ये बात बोल रहे हैं आप? बीजेपी की राजनीति तो राम मंदिर की और उन सब की मस्जिद की यही राजनीति है, यहाँ क्या बोल रहे हैं? डर नहीं लगता? एवरीथिंग इज फेयर लव एंड वॉर। प्यार और युद्ध में सब कुछ जायज है। जो मोदी ने कर रहे हैं, जो मुलायम मायावती, कोई भी जो कर रहा है वो गलत नहीं है, लेकिन राजीव तलवार कभी भी ये नहीं कहेगा कि एवरीथिंग इज फेयर लव एंड वॉर। जो गलत है वो गलत है, और मैं इस युद्ध में अनीति का सहारा, पाप का सहारा, गलत का सहारा नहीं ले सकूंगा। ये शब्द दुनिया के लिए हो सकता है, एवरीथिंग इज फेयर लव एंड वॉर, मेरे लिए नहीं। मैं सच के रास्ते पर चल रहा हूँ और मंजिल को पाने के लिए झूठ के रास्ते पर मैं कभी जा ही नहीं सकता, गलत रास्ता कभी अपना नहीं सकता। तो राजीव, आप एक पत्रकार भी हैं, तो पत्रकार के नाते नजर रहती होगी आजमगढ़ में क्या चल रहा है, क्या माहौल है? दुनिया को लगता होगा हम पत्रकार हैं, राजीव तलवार पत्रकार नहीं है, एक आग है, आग। और इस आग की ताकत, फ्लावर नहीं फायर है, पुष्पा वाला डायलॉग, फायर है वो डायलॉग नहीं, वो रियल में झूठे हैं, वो झूठ है। असली फायर राजीव तलवार, असली हीरो राजीव तलवार, असली स्टार राजीव तलवार। अमिताभ, शाहरुख, सलमान, मोदी, मुलायमती, विराट कोहली नहीं, असली स्टार बनने जा रहा हूँ इस देश का, सच यही है, चर्चा करके देख लीजिए। कब बनेंगे? बहुत जल्दी। तो सरकार किसकी बन रही है यूपी में? ना मर्दों के कोर्ट से सत्ता बदलती है, व्यवस्था नहीं, चेहरा बदलता है, चरित्र नहीं। सारी पार्टियां एक हैं, इस देश के मूर्खों को नहीं समझ में आती हैं। अब केजरीवाल की तरह दिखते हैं और कह रहे सब मिले हुए हैं जी। आई एम नॉट अ केजरीवाल। देखिए फेशियल एक्सप्रेशन है, मिलता जुलता है। लोग ऐसा कहते हैं लेकिन सच ये नहीं है। जमीन आसमान का फर्क है राजीव तलवार और केजरीवाल में, वो सबको नहीं दिखेगा। और मेरे जैसे हेयर स्टाइल का आदमी अभी आके बोलेगा योगी, उनके बारे में क्या ख्याल है? आई लव मोदी मुलायम मायावती। मेरी लड़ाई किसी मोदी मुलायम मायावती से नहीं है।
लेकिन अभी तो बोले थे कि ये लोग भला नहीं कर सकते। नहीं, कोशिश तो करते हैं लेकिन भला करने के लिए जो चीज चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ राजीव तलवार के पास है, वो किसी के पास नहीं। तो राजीव तलवार को आजमगढ़ से कितने वोट मिलेंगे? अगर 500 वोट मिल जाए तो मेरे लिए बहुत है। वैसे मैं चाहता हूँ कि 2004 वोट मैं पाया था लोकसभा में, अगर वो रिकॉर्ड टूट जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। राजा भैया कहते हैं अब की बार 1.5 लाख के पार, राजीव तलवार को अब की बार सिर्फ 2005 वोट मिल जाए चमत्कार हो जाएगा, मजा आ जाएगा। अगर फेसबुक लाइव लाइक के वजह से वोट मान लिया जाता कि जितने लाइक आ गए उतने वोट, तो जीत गए होते। फेसबुक पे तो खूब पॉपुलर हैं आप, वोट देगी जनता। और मैं जमीन पर भी पॉपुलर होने जा रहा हूँ, इस देश का असली स्टार जमीन पर मैं पॉपुलर होने जा रहा हूँ। कुछ समय और लगेगा, ज्यादा नहीं, 12 महीना। आपके मुद्दे क्या है, क्या बोलते हैं जनता को कि क्यों वोट करें आपको? हम कभी वोट मांगते ही नहीं, इस नामर्द जनता का वोट हमको नहीं चाहिए। ये लेके घूम रहे हैं आप, देखिए इस पे टॉफी का निशान है। हाँ। तो आप मतलब चुनाव प्रचार कर रहे हैं ना? हाँ, मैं दिखाना चाहता हूँ। हाँ, मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मुझे किसी का वोट नहीं चाहिए, मुझे मुट्ठी भर मर्दों का प्यार चाहिए इस देश से। महिलाओं का नहीं, महिलाएं पहले से ही मर्द हैं। ये तो सब गालमेल कर दिया आप। नहीं, 9 महीने जो हमें अपने घर में रख सकता है वो मर्द ही हो सकता है। इस देश की महिलाएं मर्द हैं लेकिन ये समाज पुरुष नपुंसक है। देखिए मर्द ना मर्द की तो बहस फिर वो पितर सत्तर का नहीं जाने कहाँ कहाँ पहुंचेगी, लेकिन आपको ये जो पूरा यूपी का, यूपी 5 साल में योगी राज में काम काज हुआ है, कोई चीज तो अच्छी लगी होगी कि कोई काम किया अच्छा? कोई काम अच्छा लगा? एक काम जो लोगों को बहुत अच्छा लगता है, इनकाउंटर। लेकिन इनकाउंटर का सच हम कभी न कभी बताएंगे, कभी ना। पत्रकार जागेगा, पूरा देश जागने जा रहा है, पूरा देश, पूरा देश जागेगा। राजीव, मैं आया था तो आजमगढ़ में जगह जगह सांड खड़े हुए हैं, रास्ता रोक लेते हैं, तो सांड समस्या है इधर। ये बताइए, जब जंगल काटेंगे आप, ये धरती क्या जानवरों की नहीं है? वो कहाँ रहेंगे? क्या मनुष्य के बाप की जागीर है ये धरती है क्या? सही बात है, सबकी धरती है। माधर चौथ, सबकी धरती है, भोसड़ी सब रहेंगे, रहेंगे कि नहीं? सब रहेंगे। तब क्या, कैसे लगते हैं आपको राजीव जी? बहुत ही अच्छे। और इनको वोट देंगे? बिल्कुल। भाई राजू भाई का भी कहना बहुत अपनी जगह, उनके समझ में सही है। हाँ। चूंकि भाई हम भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष सठियाव से हैं। हाँ। और हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी सरकार 300 पार बनने जा रही है, और अभी अभी हमारे राजीव टक्कर दे रहे हैं आपके प्रत्याशी को। ऐसा कोई बात नहीं है, बहुत दूर, वो खुद जान रहे हैं कि ये अखिलेश मिश्रा यहाँ से हमारे प्रत्याशी हैं, हमारे बड़े भैया अखिलेश मिश्रा उर्फ गुड्डू जी, और वो यहाँ से अब की बार लाखों, दुनिया लोग कहती है कि 15,000-20,000, हमारे अखिलेश मिश्रा गुड्डू भैया यहाँ से लाखों वोटों से जीतने वाले हैं। जय जय श्री राम। इतना यकीन कैसे आपको, इतना यकीन कैसे है? हमको यकीन इसलिए है कि महाराज जी की सरकार 5 साल इतनी भी बढ़िया चली है, जो कि हमारे अपराधी आजमगढ़ में तमाम अपराधी थे, हमारी बहने बेटी चलती थी रोड पे तो लोग तमाशा लोग बना देते थे, और जब से हमारे महाराज जी पूजनीय आदित्यनाथ जोगी जी की सरकार आई है तब से हमारी बहन बेटियां भी सुरक्षित हैं, और हमारे जो गरीब प्रकृति के लोग हैं वह बहुत खुश हैं। मैं ये कहता हूँ आपसे, जय हिंद जय भारत। ठीक कह रही है, पार्टी भक्त चाहे वो कोई भक्त हो वो कभी ठीक कह ही नहीं पाएगा, वो सच बोल ही नहीं पाएगा, मजबूर है, लाचार है। देश की सारी पार्टियों में सिर्फ भक्त पड़े हैं, और भक्त किसी काम लायक नहीं है। देखिए राजीव तलवार, शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये राजीव तलवार थे और यहाँ बीजेपी की रैली में, और मतलब मजेदार बात है कि देखिए वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी की रैली में आ रहे हैं। और लोकतंत्र की ये खूबसूरती होनी चाहिए कि तमाम विरोधी विचारों को एक साथ देख सके, सभी रंगों को एक साथ देख सके। एक रंग अच्छा नहीं लगता, सतरंगी दुनिया अच्छी लगती है, तो सभी रंगों का सम्मान हो। आपका इस पूरी चर्चा पर क्या कहना है कमेंट में लिखे, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों।